चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें हमारा पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में जानेंगे। मैं बार बार एक ही बात दोहराऊंगा कि एनसीईआरटी का कोई विकल्प नहीं है। आप सोचें कि बिना एनसीईआरटी पढ़े, दूसरी बुक्स पढ़े, सिविल सर्विस या फिर कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम निकाल लें, तो मुझे तो नहीं लगता है कि संभव है। हो सकता है आप स्टेट पीसीएस निकाल दें, लेकिन अगर एनसीईआरटी पढ़ लें तो हो सकता है आप बेहतर स्कोर कर सकें। तो समय रहते हुए पढ़ लें एनसीईआरटी को। तो अपने चारों ओर नजर दौड़ाएं। दौड़ाने पर हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं हमें, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। समझ रहे हैं क्या लिखा है? इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है? पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहां तक कि पानी एक बूंद या फिर रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। यही पॉइंट आपको पकड़ना सीखना है, ठीक है? कि पदार्थ की हमें परिभाषा एक तरह से पता चल चुकी है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और एक कुछ स्थान यानी कि आयतन घेरते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थों को पांच मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था, जिसे वे लोग पंच तत्व कहते थे। ये पंच तत्व आपके वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। अभी भी इसका आप प्रयोग करते रहते हैं, कई बार आप शब्द सुनते रहते हैं पंच तत्व में विलीन हो जाता है, ये हो जाता है वो। तो इसमें कौन कौन शामिल है? वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल, आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पांच पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो फिर सजीव हो या फिर आपकी निर्जीव हो। वो सब समय की यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थों को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुण एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। आइए क्रियाकलाप के द्वारा हम पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं। ये सतत हैं या फिर कणों से बने हुए हैं। एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा लें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ी मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ है? ये कहाँ गायब हो गए हैं? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव देखने को मिला है? इसके बारे में जानना है। एक बात याद रखिए, आपको क्रियाकलाप करते नहीं बैठ जाना है। ये उन बच्चों के लिए है जो एनसीईआरटी मतलब कक्षा 9वीं के बच्चे होंगे, क्योंकि इस तरह आप लोग अगर क्रियाकलाप करते हुए बैठ गए तो 1 से 2 3 साल तो इसी में निकाल दोगे आप लोग। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको बस पढ़ना है, निकल जाना है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपयुक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या फिर शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। इस तरह से जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल की कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। जल नमक देख रहे हैं? यहां देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक आई से, घन का मात्रक घन मीटर का मात्रक m³। आयतन मापन का साधारण मात्रक आपका लीटर यानी कि l, 1 लीटर
बराबर एक घन मीटर, इस तरह से 1 लीटर बराबर 100, सॉरी 1000 ml, 1 मीटर बराबर 10³ सेंटीमीटर क्यूब। पदार्थ एकड़ कितने छोटे हैं? पदार्थ के एकड़ कितने छोटे हैं? देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि इसके जल में कोई परिवर्तन नहीं होता दिखता है। आप नमक मिला दें तो हो सकता, आप सोचें कि ये, या शक्कर मिला दें, आप सोचें पानी बाहर निकलने लगे, घुलने की बात बराबर ही रहता है। इस क्रियाकलाप को देखिए, पोटेशियम पर मैग्ने मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपयुक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है? देख रहे हैं, अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। एक बार तनुकित करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। इस तरह से यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट की बहुत थोड़ी सी क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी कि 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हमें यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। एकड़ छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं और अंततः एक ऐसी स्थिति में एक कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम पर मैग्नेट मैग्नेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनु के होने पर भी उसकी महक में हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते पदार्थ के कणों के बारे में। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, तो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डिटॉल या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। इतनी सी लाइन समझाने के लिए देख रहे हैं आप लोग, पूरा प्रयोग करके बताया गया है। आपको अच्छे से पढ़ना है, निकल जाना है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप 1.3, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने प्रेक्षण को नोट कर सकते हैं। क्रियाकलाप 1.4, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद क्या होता है? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद क्या होता है? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? क्रियाकलाप 1.5, एक गिलास गर्म पानी से और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने का दर बदलती है? क्यों और कैसे? उपयुक्त तीनों क्रियाकलापों जो आपने 1.3 देखा, 1.4, 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। इन तीनों क्रियाकलापों का समझाने का यानी कि बताने का मतलब सीधा सा इतना है कि पदार्थों के कण की गति बता रहा है कि ये निरंतर गतिशील रहते हैं और उनमें गतिज ऊर्जा देखने को मिलती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। याद रखना, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है?
बढ़ जाती है। उपयुक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थों की कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतःमिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का सुता मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा होता क्यों है? तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप 1.6 को देखते हैं। इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से चार समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहले समूह में ईद मिस में नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें। दूसरे समूह में एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना लें। तीसरे समूह में केवल उंगली के सिर से छूकर एक श्रृंखला बना लें। अब चौथा समूह उपयुक्त बड़े तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान है और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है? फिर देखिए क्रियाकलाप 1.7। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लें। इस पर हथौड़ी मारकर काटकर या फिर खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्रियाकलाप 1.8। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह ना कटने का कारण क्या है? कि उपयुक्त जो आप लोगों ने तीनों क्रियाकलाप देखे हैं, ये क्रियाकलाप हमें बताते हैं कि पदार्थ कि कणों के बीच एक बल कार्य करता है या बल कणों का एक साथ रखता है। कणों को एक आकर्षण बल का समर्थ प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग इन्हें। ठीक है, अब चलते हैं पदार्थों की अवस्था की ओर। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के होते हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने तीन रूप में होते हैं, जिनमें आपका ठोस, द्रव, गैस। पदार्थों की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। अब हम पदार्थों की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ठोस अवस्था। क्रियाकलाप 1.9। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, पेन, किताब, सुई, लकड़ी, कीचड़। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको इन्हें पढ़ना है, निकल जाना है। आपको प्रयोगशाला में नहीं जाना है, ना ही क्रियाकलाप करते बैठ जाना है। ठीक है, बस अच्छे से दिमाग से पढ़ें और निकल जाएं। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ी मारने और खींचने या गिरने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? उपयुक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पर्श सीमाएं, स्थिर आयतन यानी कि नगण्य संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदल सकता है, इसलिए दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कर सकते हैं आप लोग। तो रबर बैंड को क्या माना जाए? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या एक ठोस है? नहीं। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? जी, स्पंज क्या है? ये ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बाह्य बल लगाने जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर वह पुनः मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर ये टूट जाता है, रबड़ बैंड टूट जाता है। तो ये क्या हो गया? ठोस। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। फिर आपकी द्रव अवस्था। क्रियाकलाप 1.10 को देखिए। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जल, खाना, पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा दें। इन द्रवों को फर्श पर डाल
देने पर क्या होता है? किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें, क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। क्या बता रहा है? जो हमारा द्रव है, इसका आकार नहीं है, लेकिन आयतन इसका निश्चित है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए, तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव में बहाव होता है, इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। ठोस में क्या बताया गया था? ये दृढ़ होते हैं लेकिन इसमें दृढ़ नहीं है। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैस विसरित होकर जल में घुल जाती है। एक गैस विशेषता ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थों के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी आपको अधिक देखने को मिलता है। अब है आपकी गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगाया है कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन कौन सी गैसें होती हैं। आपको ये नहीं करना है ना, ये करते बैठ जाना, मालूम चला कि 2-4 साल इसी में बीत गए आपके इस तरह की क्रियाकलाप करते हुए। आपको पढ़ना है, निकल जाना है। क्रियाकलाप 1.11, 100 ml की 3 सिरिंज लें, उनके सिरे सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। इस तरह से सभी सिरिंज के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं और सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ा वैसलीन लगाएं। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। देखिए इस तरह से ये आपकी गैस भरी हुई है। आपने देखा होगा एक बात, जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है आपको, तो उसमें वो वायु यानी कि जो हवा रहती है, गैस रहती है, उसे निकाल देता है। आपने अक्सर देखा होगा। देखिए यही हवा इस रबड़ के कॉर्क को फुला देगी, मतलब हटाएगी। आपने क्या देखा है? किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? आपने अपेक्षा से आपने क्या अनुमान लगाया? हमने देखा कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, या फिर अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG का उपयोग होता है। संपीड़ता काफी अधिक होने के कारण गैस अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। एक गंध हम तक कैसे पहुंचती है? आखिर खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। आपके पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस और द्रव के मिश्रण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में मिश्रण बहुत तीव्रता से होता है। ये आपके तीन चित्र देख रहे हैं,
चित्र नंबर 1.5 में आपके तीन चित्र ए बी सी दिख रहे हैं। ए बी सी पदार्थों की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्ती चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है, उनकी तुलना की जा सकती है। ये आपका ठोस की हो गई, द्रव और गैस। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण एक कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। वो बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ये आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ने देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं? अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जब जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, यानी कि जो आपका जल है ये आपका तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस में जैसे आपका बर्फ देखा होगा आपने, द्रव में आपने जल देखा होगा, और गैस में आपने जल वाष्प देखा होगा, जिस जो बादलों में रहता है आप देखते हैं नीचे से जल वाष्प के रूप में उठकर बादल बनते हैं। तो द्रव में क्या है? ठोस में बर्फ, द्रव में जल और गैस में जल वाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? तापमान परिवर्तन का प्रभाव। क्रियाकलाप 1.12, एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें। चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। इस तरह से धीमी कांच पर बीकर को गर्म करना शुरू कर दें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षक के को नोट कर लें। अब बीकर में एक कांच की चट डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखें जब तक कि अधिकतर जल वाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट कर लें आप लोग। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। इस शब्द को पकड़िए। जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव बन जाता है उसे इसका गलनांक यानी कि गलना कहते हैं, ठीक है, गलनांक। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। इस चित्र को आप देख ही रहे होंगे, लोहे का स्टैंड हो गया, थर्मामीटर हो गया, ये कांच की छड़ हो गई, बीकर हो गया, बर्फ का टुकड़ा इसमें देख रहे होंगे, ये बर्नर है गर्म करने के लिए। बर्फ का जल में बदलना और जल से जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया बताई गई। बर्फ का गलनांक आपका 273.15 केल्विन होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संलग्न भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? यहाँ कुछ नोट दिया गया है, इसे देखिए। तापमान की अंतरराष्ट्रीय मात्रा केल्विन के है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है?
273.15 केल्विन। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0.0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 ही मानते हैं केल्विन। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाना चाहिए और सेल्सियस से अगर केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में आप लोग 273 जोड़ देना चाहिए। इस तरह से आप लोग केल्विन को सेल्सियस में बदल सकते हैं, सेल्सियस को केल्विन। ठीक है, गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती है तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में उस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशेषित कर लेती है। माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे हम लोग गुप्त ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त ऊर्जा। यह गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे संलग्न की विसुप्त ऊर्जा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं? संलग्न की विसुप्त ऊष्मा, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। पर जल के कणों की ऊष्मा ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाती है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम लोग उसका क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। जब आप देखते हैं कि ठोस जिस तापमान पर आपका द्रव में बदलता है उसे उसका गलनांक कहते थे। और यहाँ क्या बोल रहा है? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए तापमान 273 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 यानी कि 273 केल्विन होता है। आपको बताया था नहीं कि अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देना है। अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटा देना है। ठीक है, क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे कि हमने संलग्न की विसुप्त ऊर्जा को परिभाषित किया है। 273 केल्विन तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, ऊष्मा शीतलता। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर एक ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। क्रियाकलाप 1.13। थोड़ा सा कपूर या फिर अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं। इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल सकते हैं। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें। चित्र 1.7 की तरह इस तरह से वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड, रुई का टुकड़ा, उल्टा रखा हुआ कीप, ठोस बना अमोनियम क्लोराइड, चीनी मिट्टी की प्याली हो रही है और ये जलाने के लिए, इसे गर्म करने के लिए बर्नर।
अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें, उपयुक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि जो आपका ठोस है ये द्रव में ना बदल के सीधा वाष्प में बदल जाए, गैस में बदल जाए, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और गैस से सीधे अगर ठोस में बदल जाए, गैस से सीधे ठोस में बदल जाए, यानी कि उसमें द्रव की कोई व्यवस्था ना हो, तो उसे आप लोग निक्षेपण कहते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव, हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दबाव लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। देखिए इस तरह से पिस्टन सिलेंडर इस तरह से दाब बढ़ाने पर आप लोग कणों को समीप ला सकते हैं। यहाँ दाब अधिक कम है, देखिए कम है। देखिए आयतन कम होगा वहां दाब ज्यादा लगेगा, और आयतन ज्यादा होगा तो वहां दाब कम लगेगा। यही हम लोग सांस लेने में यही प्रक्रिया फॉलो करते हैं, समझ रहे हैं? जब हमारे अंदर आयतन खाली होता है तब हवा अंदर जाती है, और जब आयतन कम होता है बाहर निकलती है। दाब बढ़ने और तापमान घटने से द्रव गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इससे उच्च दाब पर संघनित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमोस्फियर ATM हो, तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। दाब और तापमान के तीनों अवस्थाओं में पदार्थों का रूपांतरण देख लीजिए, ये ठोस हो गए, द्रव, गैस। निक्षेपण, गैस से सीधा ठोस में बदलना निक्षेपण, ठोस से सीधा गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन, द्रव का सीधे गैस में बदलना वाष्पीकरण, और गैस का सीधे द्रव में बदलना संघनन, और द्रव का सीधा ठोस में बदलना जमना, और ठोस का जल में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना संघनन। इसे आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। संघनन आपने वर्षा देखी है, तो बर्फ को ले लीजिए आप लोग, यहां ठोस को बर्फ गैस में बदलती है यानी कि वाष्प में, तो इसे आप लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस आपने देखी होगी वाष्प यानी बादल बन जाते हैं, बादल से संघनन यानी कि वर्षा होती है, उसे आप लोग द्रव। और याद रखिए अगर द्रव में ना बदलकर सीधी वर्षा में बर्फ गिरे डायरेक्ट, समझ रहे हैं आप लोग, तो इसे आप लोग ठोस कह सकते हैं। तीनों अवस्थाएं इसमें देखी जा सकती हैं। यहां आपके क्वेश्चन से नहीं भी देख सकते हैं आप लोग। वाष्पीकरण, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल सकता है? जल को खुला छोड़ दो, छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। एटमोस्फियर, गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल है। 1 ATM बराबर 1 × 10 की पावर यानी कि 10 की पावर 5 पास्कल। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समूह की सतह पर वायुमंडल का दाब 1 एटमोस्फियर होता है, इसलिए सामान्य दाब कहा जाता है। ठीक है, गीले कपड़े सूख जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। इन दोनों अवधारणों में जल का क्या हुआ है?
क्या हम जानते हैं कि पदार्थों के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं है। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या फिर ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जल कपड़े सुखाने की प्रक्रिया में जो होता है वही बता रहा है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करें तो एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझे। 1.14 क्रियाकलाप। एक परख नली में 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास या फिर पंखे के नीचे रखें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा के किसी अलमारी के अंदर बंद करके रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट कर लें। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का, प्रवाह सतह पर सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हमें उन्हें फैला देते हैं, यानी कि सतह, जैसे आपने देखा होगा कि एक लोटा में आप जल रख दीजिए या फिर उस लोटे को एक छत पर डाल दीजिए आप लोग, तो मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे कि छत वाला पानी जल्दी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा लोटा वाला टाइम में। तापमान में वृद्धि। तापमान में बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे भी वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। या आपके बरसात के मौसम में आप लोग देखते हैं कपड़े नहीं सूखते हैं आपके, और तापमान यानी कि गर्मियों के मौसम में देखते हैं तो तापमान आपने देखा होगा, यहाँ तापमान जैसे वर्षा होती है और तापमान अधिक होने लगता है, तुरंत रुक जाए वर्षा और धूप निकल आए तो उस समय देखा होगा तुरंत आपका जो पानी बरसता है वो सूख जाता है, मालूम ही चलता है कि कब बरसात हुई। तो यही प्रक्रिया। फिर है वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने के जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जैसे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। कभी कभी हम लोग जब बादल होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़ों को पंखे की हवा में ही डाल देते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या फिर नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकरण हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या फिर खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। क्या जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है? क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के उदाहरण दे सकते हैं? जैसे गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनना पसंद करते हैं? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है जिससे हम शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह किकड़ हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करने करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊर्जा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूंकि सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए हम
सफेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। सूती बर्फीले जल से भरे गिलास की सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्द ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडी पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। ये क्वेश्चंस दिए गए आपके लिए, लगा लेना। यहाँ आपका कुछ पॉइंट दिए गए, इन्हें देख लीजिए। अब वैज्ञानिक पदार्थ की पांच अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ठोस द्रव, गैस और प्लाज्मा की बात करते हैं। आइंस्टाइन साहब हैं जो आपकी ठोस द्रव और गैस, चौथी कौन सी है इसमें, प्लाज्मा। प्लाज्मा इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। एक कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई फिर अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है आपका। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट शेड। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने भारत की पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडन सेट यानी कि BEC कहा गया। सन 2001 में अमेरिका की एरिक ए कॉर्नेल, उल्फ गैंग कैटरली और कार्ल ई वीमेन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। इस साइट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं और इसके बारे में जानकारी। ये आपके SN बोस साहब हैं आप अपने यहाँ के, और ये अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब। आपने क्या सीखा है इस अध्याय में? ये अच्छा है कि इस विज्ञान में हम हर विज्ञान में आपका नीचे निष्कर्ष दिया जाता है लास्ट में क्लास में। तो आपने क्या क्या सीख लिया है? द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव तीन अवस्थाओं में विद्यमान है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में सबसे कम होता है, द्रव के कणों में इन दोनों के मध्य वर्ती होता है। अगर आपसे पूछे कि आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में, सबसे कम गैस में। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम गैसों के लिए अधिकतम किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती होती है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक किरमित होती है। ध्रुवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल स्खलित हो सकती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता है, इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थों की अवस्था है, अंतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन क्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। निक्षेपण क्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। वाष्पीकरण की एक सतह की परिघटना है, सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उसके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प में अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, जैसे आपका सतही क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जिसमें वायुमंडल की प्रति परित्याग हो, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम
द्रव को वाष्प, वायुमंडल दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग होती है। संलग्न की गुप्त ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग की जाती है। कुछ मापने योग्य राशियां उनकी मात्रक जिनका हम ज्ञान होना चाहिए। मैं बता रहा हूं ना कि आप लोग अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि आप देखते हैं बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है। राशि, एन का मात्रक हो गया पिति, जैसे तापमान, इसका मात्रक कैल्विन है, इसका पिति क्या कि लंबाई मीटर, इसका एम है पिति, संहति किलोग्राम में मात्रक है, केजी इसका संकेत या पिधी के भार न्यूटन एन, आयतन घन मीटर एम क्यूब, घनत्व किलोमीटर प्रति घन मीटर के एम, सॉरी किलोग्राम के जी एम की पावर -3, दाब पास्कल पी ए इसका प्रतीक हो गया। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, नहीं भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और याद रखिए आपकी जो पीडीएफ है वो सभी टेलीग्राम पर डाल देंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है, वहां से आपको डाउनलोड करके रख लेना है अपने, ठीक है। तो चलिए अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे अगला अध्याय क्या होगा। अगला अध्याय हमारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके बारे में जानेंगे विस्तार से।